हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, टीम इंडिया जाने वाली है जिम्बाब्वे दौरे पर। जी हां दोस्तों, बता दें इसके लिए का टीम इंडिया का स्क्वाड भी आ चुका है और जो नया ब्रॉडकास्टिंग राइट है इंडिया में इस दौरे के लेकर, उसका लेकर भी बड़ी अपडेट्स है। तो दोस्तों, इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच जो यह T20 सीरीज होने वाला है, भारत में कहां पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, किस किस चैनल और कौन कौन सा OTT प्लेटफॉर्म पाएगा, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरे के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच कुल 5 T20 मुकाबले खेले जाने वाले हैं और इन 5 T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड घोषित हो चुका है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम इंडिया की तरफ से पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे, रियान पराग हो या फिर देश पांडे हो। लेकिन बता दें, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डिजर्व करते थे टीम इंडिया से खेलने के लिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वरुण चक्रवर्ती। जी हां दोस्तों, डोमेस्टिक हो या फिर IPL, सभी में कमाल के परफॉर्मेंस किए हैं वरुण चक्रवर्ती, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मौका नहीं मिला है टीम इंडिया की तरफ से जिम्बाब्वे दौरे पर, जहां पर सभी सीनियर खिलाड़ी रेस्ट पर है। और ऐसे जो टीम इंडिया का नया कप्तान है जिम्बाब्वे दौरे के लिए, वह है शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए कैप्टेंसी करते हुए नजर आने वाले हैं जिम्बाब्वे दौरे पर। तो दोस्तों, अब बात करें इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच जो T20 मुकाबला है, उसका पहला मुकाबला जो कि खेला जाएगा 6 जुलाई को। जी हां दोस्तों, और फिर जो दूसरा मुकाबला 7 जुलाई को खेला जाएगा, टाइमिंग के बात करें इस भारतीय समय अनुसार जो कि 4:30 पर शाम को आएगा। इसके अलावा जो तीसरा मुकाबला है वह 10 जुलाई को है, लेकिन इस टाइमिंग चेंज रहेगा, 9:30 पर रात को मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार, तीसरा T20 मुकाबला। फिर बात करें हम चौथा T20 मुकाबला, जो कि 13 और 14 जुलाई को पांचवा T20 मुकाबला खेला जाएगा, और यह भी जो कि 4:30 पर आएगा। तो दोस्तों, यह शेड्यूल है। अब बात करिए सभी मुकाबले भारत पर कहां पर आने वाले हैं, तो दोस्तों बता दें कि DDA स्पोर्ट्स कंफर्म है। यहां दोस्तों DDA स्पोर्ट्स पर आने वाले हैं। इसके अलावा सोनी के पास से ब्रॉडकास्टिंग राइट, जहां दोस्तों इससे पहले फाइन कोर्ट के पास था, लेकिन अब वो सोनी के पास जा चुका है। ऐसे में सोनी लीग पर आप देख सकते हैं T20 जो मुकाबला होगा इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में। इसके अलावा चैनल्स की बात करें तो दोस्तों सोनी स्पोर्ट्स 3, 4, 5, जहां दोस्तों यह जो मेन 3 चैनल है सोनी का, वहां पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा इंडिया जिम्बाब्वे के बीच यह कमाल का मुकाबला। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड है इस सीरीज को लेकर, क्या खुद को शुभमन गिल साबित कर पाएंगे बेहतर बतौर कप्तान या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।